हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल 11 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ड्रीम 11 टीम क्रिएशन रूल्स की। आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना फ्रेंड्स। लेटेस्ट न्यूज़ और लाइव अपडेट के लिए अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों आपको बता दूँ, ड्रीम 11 टीम क्रिएशन रूल जो रखा गया है वो 22 जनवरी से 8 फरवरी तक ये रूल रखा गया है। जैसे कि प्लेयर टाइप में आप मिनिमम 1 प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 10 प्लेयर एक टीम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखिए, 10 प्लेयर इंडिया के हैं और 1 प्लेयर यहां पर श्रीलंका का। आपको मैं टीम क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना। फ्रेंड्स, आप टीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो आपको बता दूँ मैं यहाँ पर, जो कि टीम क्रिएट आप ड्रीम 11 में 11 प्लेयर आप सिलेक्ट करते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम 10 प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं एक टीम से और मिनिमम 1 प्लेयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1 टीम से। दोस्तों पहले बता दूं, पहले क्या होता था, विकेट कीपर में आप मिनिमम 1 प्लेयर से मैक्सिमम आप 4 प्लेयर तक सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब ये रूल चेंज कर दिया गया है। मिनिमम 1 प्लेयर से 8 प्लेयर तक आप विकेट कीपर में सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। पहले बैट्समैन में आप 3 प्लेयर से 6 प्लेयर तक आप सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब मिनिमम आप 1 प्लेयर से 8 प्लेयर मैक्सिमम आप सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऑलराउंडर की बात करूं तो आप पहले मिनिमम 1 प्लेयर और मैक्सिमम 4 प्लेयर तक आप सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब आप मिनिमम 1 प्लेयर से आप मैक्सिमम 8 प्लेयर तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। बॉलर की बात करूँ तो पहले आप 3 प्लेयर से 6 प्लेयर तक आप सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स जो न्यू रूल आया है उसमें आप मिनिमम 1 प्लेयर से 8 प्लेयर तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले जो रूल था टीम क्रिएशन का, वो आप मैक्सिमम 7 प्लेयर एक टीम से आप सिलेक्ट कर सकते थे और मिनिमम 4 प्लेयर आप एक टीम से सिलेक्ट कर सकते थे फ्रेंड्स। मैं आपको टीम क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैच ये चल रहा है, यहाँ पर मैं टीम क्रिएट करता हूँ तो आप यहाँ से विकेट कीपर में आप 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए बैट्समैन में आप टोटल बैट्समैन आप सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए आप यहाँ पर मैंने 6 बैट्समैन सिलेक्ट कर लिया, आप 7-8 भी बैट्समैन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स एक टीम से। देखिए फ्रेंड्स ऑलराउंडर में 1 और इसमें 1। देखिए फ्रेंड्स बैट्समैन में आप यहाँ पर 8 प्लेयर तक सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बात करूँ बॉलर में तो बॉलर में भी आप फ्रेंड्स 1 प्लेयर तक सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मैं टीम क्रिएट करके दिखाता हूँ बॉलर में, तो आप बॉलर में देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेयर मैक्सिमम आप सिलेक्ट कर सकते हैं बॉलर में से। ऑलराउंडर में आप 1 प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 प्लेयर बैट्समैन में, 1 प्लेयर ये देखिए फ्रेंड्स 8 प्लेयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं बॉलर में से। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आप एक ही टीम से मतलब 10 प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये एससीओ का मैच है, इसमें मैं 10 प्लेयर एक ही टीम से सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स 7 प्लेयर सेलेक्ट हो गए, 8, 9 और 10 प्लेयर आप ये देखिए एक टीम से सिलेक्ट हो चुके हैं, और ये देखिए 1 प्लेयर अदर टीम से सिलेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए न्यू रूल, ये फैंटेसी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मतलब फ़ायदा ये होने वाला है इसका, जैसे कोई बड़ा मैच होने वाला है तो उसमें एक अच्छी टीम और एक कम रन बनाने वाली टीम, तो इसमें बंदों को बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है फ्रेंड्स। आपको बता दूँ, देखिए फ्रेंड्स आप ऑलराउंडर में भी 8 प्लेयर तक सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहले था 1 प्लेयर से आप 4 प्लेयर तक सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब आप 8 प्लेयर तक सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये आप देखिए आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स 8 प्लेयर तक। और मैम फ्रेंड्स बात करूं यहां पर बैट्समैन की, तो आप यहां पर 8 प्लेयर तक बैट्समैन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। विकेट कीपर में भी आप 8 प्लेयर तक सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ऐसे ही आपके लिए फैंटेसी टिप लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।